आज की वीडियो में हम एक बार फिर से थर्मोडायनेमिक्स पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। लास्ट की वीडियो में हमने बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे थर्मोडायनेमिक्स पर, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। आज हम उसके बाद से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसिक्स क्वेश्चन के बाद कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, बताओ। तो आपने क्या बताना है, सिंपल आपने ये बताना है कि अगर दो सिस्टम हैं वो किसी तीसरे सिस्टम के साथ अलग से थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो होगा ये कि जो पहले दो सिस्टम थे वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर जो दो बॉडीज़ की बात कर रहे हैं उनका टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो मतलब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। अगर नहीं समझ आया तो आपको कैसे समझाना है, अगर मान लो कि कोई बॉडी सी है वो किसी बॉडी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और वही बॉडी सी जो है किसी सिस्टम या किसी बॉडी बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है अलग से, मतलब जो बॉडी सी थी वो ए बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और वही बॉडी जो है वो सी से भी अलग से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो होगा ये कि जो बॉडी ए थी और जो बॉडी सी थी वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें मिलता क्या है, तो आपको बताना है हमें टेम्परेचर के बारे में पता लगता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के बारे में बताओ, तो आपको यह बताना है कि कोई भी मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एवरेज एनर्जी है वही टेम्परेचर है। यानी किसी भी मटेरियल्स के अगर हम सारे पार्टिकल्स की बात करें तो जो उनकी एवरेज एनर्जी होगी वही उसका टेम्परेचर होगा। अब वो आपसे पूछ सकता है कि टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है वो बताओ, क्योंकि टेम्परेचर और हीट कन्फ्यूजिंग से रहते हैं थोड़े से, अगर उनका कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आपसे इसलिए वो पूछेगा कि टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है वो अब एक्सप्लेन करो। इसे एक्सप्लेन करने के ज़्यादा टाइम लगेगा तो अभी डिस्कस नहीं करूँगा मैं, बट इसके बारे में मैंने पहले से बनाया हुआ है, इस पर वीडियो बनाई है। अगर आप इंटरव्यू वाली प्लेलिस्ट देखोगे उसमें फिफ्थ वीडियो है टेक्निकल क्वेश्चंस वाली, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, तो आप वहाँ पर जाके तो देख सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस के बाद आपसे वो पूछ सकता है कि बताओ टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, वो हमें पता है केल्विन एसआई यूनिट, ठीक है। अब वो ये कहा कह सकता है कि डिग्री सेल्सियस सेल्सियस स्केल भी होता है, केल्विन स्केल भी है, फ़ारेनहाइट स्केल भी है। सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.15 केल्विन। अब आपको इतना पता लगा 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो गया, 273.15 केल्विन, आप इजीली सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको कहा जाएगा जितना भी सेल्सियस कहा होगा उसमें 273.15 ऐड कर दो तो वह केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब आपसे वो पूछ सकता है कि सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए एक इक्वेशन है सिंपल सी, C/5 इक्वल्स टू F-32/9, जिसमें सी सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है। यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फिर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, ठीक है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि हम सेल्सियस स्केल की बात करते हैं, अगर सेल्सियस स्केल को लें तो उसमें वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो आपको बताना है सेल्सियस स्केल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। इतना तो सबको पता है, कोई बात नहीं। हाँ, इसमें याद रखना कि प्रेशर वन एटमोसफियर रहना चाहिए, ठीक है, वन एटमोसफियर प्रेशर के अंडर ही रहता है। अब अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा वाटर का, अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो वहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो 212 यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब वो पूछ सकता है केल्विन स्केल में बताओ फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो केल्विन स्केल हमने अभी देखा था वो सेल्सियस स्केल की तरह ही है, सेल्सियस स्केल में क्या था 0 डिग्री सेल्सियस था फ्रीजिंग पॉइंट, तो केल्विन स्केल में क्या हो जाएगा 273.15 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स 273.15 केल्विन। वैसे बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 373.15 केल्विन, ठीक है, 100 में 273 ऐड कर रहे हैं तो 373.15 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पे और क्या पूछ सकता है वो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इतने क्वेश्चन थे मेन में जो आपसे पूछ सकता है वो। हाँ, एक चीज़ और पूछ सकता है आपसे कि 1 डिग्री सेल्सियस बड़ा है या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बड़ा है, ये आप कैसे बताओगे।
ये मुझे भी पूछा गया था कि 1 डिग्री सेल्सियस बड़ा होता है या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बड़ा होता है, तो इसके बारे में आपको पता हो, अगर आपको सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में पता है तो आप इजीली बता सकते हो। देखो अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो 100 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच के बात करें तो 100 पार्ट्स में डिवाइडेड था वो। वैसे ही अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो 180 पार्ट्स में डिवाइड था, क्यों? 32 से स्टार्ट था और 212 तक था वो, अगर फ्रीजिंग और बॉइलिंग की बात करें तो 180 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेम रीडिंग चेंज, सेम स्केल है, तो सेम स्केल कितने पार्ट्स में डिवाइड है अगर सेल्सियस की बात करें 100 पार्ट्स में, और फ़ारेनहाइट वाले कितने पार्ट्स में डिवाइड है 180 पार्ट्स में, तो ऑब्वियस है कि जो 100 पार्ट्स में डिवाइड है वो बड़ा होगा, तो इसलिए सेल्सियस स्केल जो है वो बड़ा रहता है। ठीक है, अब ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो थर्मोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ, तो यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझसे पूछा गया था सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लेकर, वो ये पूछा गया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओपन सिस्टम के लिए है या क्लोज सिस्टम के लिए है। तो आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओपन सिस्टम के लिए भी है और क्लोज सिस्टम के लिए भी है। ठीक है, अब आपको हम ये पूछ सकते हैं वो कि बताओ ओपन सिस्टम के लिए क्या इसकी इक्वेशंस वगैरह हैं, या फिर अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें उसके लिए क्या इक्वेशंस हैं, वो सब डिस्कस करो। अगर हम बात करें पहले क्लोज सिस्टम की, तो देखो क्लोज सिस्टम में भी आगे इसके दो पार्ट्स हैं, एक है साइकिल के लिए और एक है प्रोसेस के लिए। अगर हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं और साइकिल की बात करें, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन आती है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट ट्रांसफ़र इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क ट्रांसफ़र, यानी कि अगर कोई वर्क साइकिल पे हो रहा है तो वहाँ पे होगा जो हीट ट्रांसफ़र होगा टोटल सबमिशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र किसके बराबर होगा, सबमिशन ऑफ वर्क ट्रांसफ़र। यह है साइकिल के लिए फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए क्लोज सिस्टम। और अगर हम प्रोसेस की बात करें, यह था साइकिल के लिए, और अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस के लिए क्या होगा, प्रोसेस के लिए सिंपल था कि डी यू इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, मतलब कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर होगा, सबमिशन ऑफ जो वर्क ट्रांसफ़र माइनस हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र माइनस वर्क ट्रांसफ़र, इसका जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो इसका भी इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, ये पूरी डेरिवेशन डिराइव करके बताई है कि किस तरह से डेरिवेशन आई थी। ठीक है, फिर वो पूछ सकता है कि हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर क्या है, पाथ फंक्शन है पॉइंट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करते हैं या नहीं डिपेंड करते, तो ऑब्वियसली सबको पता है कि हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर जो है वो पाथ फंक्शन है, तो आपको ये चीज़ बतानी है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओपन सिस्टम के बारे में बताओ, क्या है ओपन सिस्टम के बारे में, तो यार ओपन सिस्टम के बारे में हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से आता है, तो वहाँ से क्या मैं पता लगा था कि एंथैल्पी एट फर्स्ट पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट प्लस हीट ट्रांसफर किसके बराबर था, एंथैल्पी एट सेकंड पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क ट्रांसफर, ये थी पूरी इक्वेशन, तो वो आपको पता ही है उसके बारे में। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम। फिर इसकी एप्लीकेशन पूछ सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशन बताओ कहाँ कहाँ पर है। देखो नोजल हो गया, डिफ्यूज़र हो गया, टर्बाइन हो गया, स्टीम पावर प्लांट, यहाँ पे हम सब कहाँ क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ही यूज़ करते हैं, फर्स्ट लॉ भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे सारी एप्लीकेशन इसी की हैं सारी, उसके एप्लीकेशन के बारे में आपको पता लग गया। अब जैसे हमने बात की थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें टेम्परेचर के बारे में पता लगा, तो वैसे ही फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली आया कहाँ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि एनर्जी जो यूनिवर्स की वो कॉन्स्टेंट रहेगी, ये हमें पता लगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अब ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं मैंने डिस्कस किया या नहीं किया, वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसे जीरोथ लॉ ही क्यों कहा जाता है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ के बाद आया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट था ये बेसिक लॉ, तो फर्स्ट से पहले कोई ऐसा इसका नाम होना चाहिए, तो फर्स्ट से पहले जीरो डिजिट आता है, जीरो आता है, तो इसे इसका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम रखा गया। तो ये थे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। इसके बाद की वीडियोस में हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस देखेंगे, एंथैल्पी वगैरह की तरफ जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके काम आएगी कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू, आपके कैंपस प्लेसमेंट में काम है, कहीं भी आप इंटरव्यू हो तो वहाँ पर आपके बहुत काम आने लगे सब चीज़ें। ठीक है, तो किसी भी तरह का डाउट आपको अगर आज की वीडियो में तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।